इत्तेहादी जमातों का असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने का मुत्तफिका फैसला। इंतखाबात किसी के दबाव पर नहीं, इत्तेहादियों के फैसले से होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला। इजलास में इमरान खान के दावों पर तनकीद की मजम्मत। इमरान खान इंतशार की सियासत को फरोग दे रहे हैं। पीडीएम और इत्तेहादी जमातें इमरान खान के बयानी का जवाब देंगी। डॉलर ने रुपए को रोंद डाला, बुलंदियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा 224 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 6 रुपए 79 पैसे लंबी छलांग, 222 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 978 पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सोना 2800 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 1,45,200 रुपए हो गई। फिच ने पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम और कमजोर हुकूमती इत्तेहाद वजह करार। आलमी इदारे का कहना है IMF प्रोग्राम भी खदशात का शिकार है। पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने पर अफरात जर की शराब बुलंद सतह पर है। आइंदा माली साल में 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रहेगा। महंगी बिजली और महंगी करने की तैयारी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा ने समाप्त कल होगी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कॉस के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत का बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने का प्लान। जुलाई से टैरिफ 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट, अगस्त से 3 रुपए 50 पैसे और अक्टूबर से 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की तजवीज़। हम जब चाहें आपको घर बेच सकते हैं। 5 MNAs जो इस वक्त ये नीचे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस हुकूमत के 5 से कहीं ज़्यादा MNAs हमारे साथ रबते में। हमजा शहबाज को अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। एक तो ये 22 तारीख तक राना सनाउल्ला की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला 23 को तो हम लगा ही देंगे, पाबंदी लगा सकते हैं। यही हाल अता तारड़ का भी है, जिसने बहुत ज्यादतियाँ की हैं और हमने देखा है। जो ही शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करते हैं संजीदा होके, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। फ्रेमवर्क जो इलेक्शंस का है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तय करना है। इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद ही नहीं है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएँगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। जब चाहें हुकूमत को घर भेज सकते हैं। हुकूमत के 5 से ज़ायद MNAs हमसे रबते में हैं, फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। 23 जुलाई को राणा सनाउल्ला और अता तारड़ के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करें तो उनसे बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरून मुल्क साजिश का पर्चा लेकर जेब से, जो पर्चा उसको उसके मुताबिक 7 मार्च को मिल गया था, जब मौसूफ वो पागल शख्स मुल्क का वजीर आजम था। उस दिन जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? उसी दिन क्यों नहीं बैरून मुल्क साजिश का आवाम को बताया? उसी दिन असेंबली तहलील करके इलेक्शन में क्यों नहीं गए? इलेक्शन तब होगा जब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब, बोली इमरान खान इख्तदार को बचाने के लिए मुल्क पर हमलावर हुए। साजिश का मालूम होते ही असेंबलियां क्यों नहीं तहलील की? पार्टी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। हमारी हुकूमत हर वो काम करेगी जो पाकिस्तान और अवाम के मफाद में बेहतर हो। इमरान खान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड पैमरा से मिल गया। इलेक्शन कमीशन तकारीर का जायजा लेने के बाद कार्रवाई करने या ना करने का फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान का कहना है कि इमरान खान के इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। कहते हैं रियासती इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को खुली छूट मिली, इमरान खान को खुली छूट ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान के फितने को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी कहते हैं पंजाब हुकूमत के लिए फाइट बैक करेंगे। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं सुना रहा, इदारों को भी फैसला करना होगा, इसे कब तक लाडला रखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वजारत की वजह से हम चुप बैठे रहें। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की नून लीग पर तनकीद, कहते हैं अवाम ने ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को मुस्तरद कर दिया, इनको IMF से कुछ नहीं मिलने वाला, हमजा इस काबिल नहीं कि हुकूमत कर सकें, राणा सनाउला और इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट में क्यों मामलात हल नहीं हो सके, पार्लियामेंट की जगह कोई नहीं दे सकता, चाहते हैं ये मामला वापस पार्लियामेंट जाए, इस कानून पर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तहरीक इंसाफ के वकील की नैब कानून मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद, वफाकी हुकूमत नैब और अटॉर्नी जनरल को नोटिस, कहते हैं रात को अदालत नहीं लगती, आपको सुनते हैं, रात तक चीफ जस्टिस का PTI वकील से मुकालमा। आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक बड़ा संजीदा मसला है, देखना है क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 62(1)(f) लगा सकता है। फैसल बाबडा नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत का आर्टिकल 62(1)(f) के तलाक से मुतालिक तमाम फरीकैन के वकला को तैयारी का हुक्म।